हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे। हाउ आर दी फीलिंग लास्ट नाइट? आपके बारे में अगर कल रात सोच रहे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर आपको ये रीडिंग सुननी है, देखनी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। आइए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, देन वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो वी हैव फाइव इन कॉमन। तो फाइव नंबर, फाइव डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, रेलेवेंट हो सकता है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो काफी सारे स्वॉर्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे। देन वी हैव दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग। स्ट्रेंथ कार्ड, हम आगे और क्लैरिफाई करेंगे। तो थोड़े से ऐसा लगता है व्यूअर्स, कार्ड्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कल रात थोड़े से चिंतित रहे हैं, थोड़े से टेंशन में रहे हैं। कोई बात ऐसी है जो इनको अंदर से सता रही है, अंदर से दुख दे रही है, क्योंकि यहाँ स्वॉर्ड्स काफी ज्यादा है। लुक एट दैट, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स आल्सो। ओके, आई होप कार्ड्स विजिबल हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लाइक 70-75% चांसेस हैं इस बात के कि आप लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ डिस्टेंस आया है, कुछ तो हुआ है आप लोगों के बीच जो कि थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, यानी कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई पास्ट था, जैसे अगर कोई उनका एक्स था या उनके पास्ट में कुछ था उनके साथ, किसी का रिलेशनशिप या कनेक्शन या फ्रेंडशिप, व्हाटएवर इट इज, या उनकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या करंट उनकी सिचुएशन कुछ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है, जिस वजह से आप लोगों के बीच दूरियां आई हैं, जिस वजह से आप लोगों के बीच एक दरार आई है। और ऐसा लगता है कल रात आपके पर्सन उसी थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। अगर वो कोई सिचुएशन है तो उस परिस्थिति को ब्लेम कर रहे हैं कि उस परिस्थिति की वजह से हम लोगों के बीच ऐसा हो गया, या हम लोगों के बीच आगे बात नहीं बन पाई, या हम लोग आगे कुछ सीरियस नहीं कर पाए। और ये कोई पर्सन अगर है, फैमिली मेम्बर है, तो भी उसे ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, इन्होंने अलाउ नहीं किया, या इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, या ये बहुत ज़्यादा यू नो स्ट्रिक्ट है, या ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। तो परिवार का अगर कोई सदस्य है ऐसा, तो उसको भी ब्लेम कर रहे हैं वो, ऐसा लगता है। एंड और अगर उनकी लाइफ का कोई पास्ट पर्सन रहा है, या कोई और पर्सन रहा है जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में बार बार इंटरफेयर कर रहा था या कर रही थी, तो कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, तो वो ब्लेम कर रहे हैं। अब आपके पर्सन कल रात बहुत दुखी हो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, और थर्ड पार्टी को कंटिन्यूसली ब्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आपका दिल टूटा है किसी थर्ड पार्टी के एंट्रेंस की वजह से या इंटरफेरेंस की वजह से। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि इक्वली आपके पर्सन का भी दिल टूटा है इस थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से। हाँ, हो सकता है शुरू में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हुई और आपके पर्सन इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हो रहे थे, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनको, या केयरलेस हो रहे थे इन बातों को लेकर कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, या कहीं ना कहीं
आपके पर्सन को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो इन बातों का ध्यान नहीं रख रहे थे और थर्ड पार्टी के साथ भी वो इन्वॉल्व थे या कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की बात भी सुन रहे थे या सुन रही थी, तो अब जो थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच दूरियां आ गई हैं, आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आ गया है या कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब यहाँ पर कुछ अनबन हो गई है आप लोगों के बीच, कुछ इश्यूज आप लोगों के बीच भी हो गए हैं, तो उनको लग रहा है अब वो आपको याद कर रहे हैं या कहीं ना कहीं अब उनको कुछ मिसिंग लग रहा है लाइफ में और वो आप हो और उनको लग रहा है कि अब वो क्या करें, तो इसीलिए वो ब्लेम कर रहे हैं, मन ही मन ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी वजह से इसकी वजह से ऐसा हुआ और हम दोनों साथ नहीं रह पाए या हम दोनों आज साथ नहीं हैं, तो ये किसी की वजह से हुआ है। या ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ना कल रात भी ऐसा लगता है घर में इनका झगड़ा हुआ है या किसी फ्रेंड से इनका झगड़ा हुआ है, आई डोंट नो, ऐसा लगता है थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से बहस कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कल रात सुकून से नहीं बैठे हैं, कल शाम तक कल रात तक इन्होंने किसी से ज़रूर कोई बहस की है, फ्रस्ट्रेशन में किसी से बात की है, झगड़ा किया है, आर्ग्यूमेंट किया है और उस आर्ग्यूमेंट के बाद बहुत टेंशन में आ गए। ओके, क्योंकि व्यूअर्स उनको कहीं ना कहीं आपकी कमी खल रही है और वो सबसे झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि वो चिड़चिड़े हो गए हैं या हो गई हैं आपसे दूर होने की वजह से और कुछ ना कर पाने की वजह से, कि वो कुछ नहीं कर पा रहे इस बात को लेकर उनको एक फ्रस्ट्रेशन होती है, एक एंगर फील होता है और फिर वो यहाँ वहाँ उनका फ्रस्ट्रेशन निकलता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, है हो सकता है यहाँ पर चांसेस हैं कि उनका आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट कोई झगड़ा हुआ है और वो इस बात को याद करके बहुत पछता रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है कि वो मोमेंट आया क्यों, हम लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई आर्ग्यूमेंट हुआ कैसे, नहीं होना चाहिए था, तो वो उस मोमेंट को याद कर करके रिग्रेट भी करते हैं, बुरा फील करते हैं और उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और ज़्यादा उनके दूसरों के साथ उलझने झगड़े बहस होती है। तो कल रात भी ऐसा लगता है किसी से जैसे इनकी बहस हुई है या आपके साथ इनकी अगर कोई बहस या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या कोई आप लोगों के बीच कोई ऐसा इशू हुआ था, तो वो उसको याद करके परेशान हो रहे थे क्योंकि वो रीजंस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब आप ऐसा लगता है कि इतने क्लोज नहीं हो या साथ में नहीं हो, तो अब वो ब्लेम कर रहे हैं और रीजंस ढूंढ रहे हैं कि किन कारणों की वजह से आप लोग साथ नहीं हो। तो वो ऐसा भी कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग अलग हो गए, थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की, डिस्टेंस क्रिएट किया, कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरफेरेंस किया और वो उस झगड़े को उस मोमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि उस मोमेंट पर हमारा झगड़ा ऐसा क्यों हुआ, उस मोमेंट पर हमारी ऐसी बहस क्यों हुई, ऐसी सिचुएशन क्यों बन गई, तो वो उस पल को भी ब्लेम कर रहे हैं कि उस पल ऐसा क्यों हुआ, आखिर कैसे हो गया, कैसे मैंने ऐसा होने दिया, तो रिग्रेट भी उनको बहुत हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो रिवर्स में जाकर मतलब पास्ट में जाकर सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे पास्ट में जाने का, अगर मुझे पास्ट में जाने का एक मौका मिलेगा तो मैं बहुत कुछ फिक्स कर दूंगा या कर दूंगी, या बहुत कुछ जो मुझे नहीं करना चाहिए था फिर वो मैं फिक्स कर सकता हूँ अगर मुझे एक मौका और मिले पास्ट को ठीक करने का। तो ये भी ऐसा ही रिग्रेट कर रहे थे कि काश वो ऐसा ना करते, काश वो आपको समझ पाते या उस सिचुएशन को समझ पाते और वो आपके साथ झगड़ा ना करके आपको समझते, या आपके साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट या किसी इशू में ना आकर किसी प्रॉब्लम को क्रिएट ना होने देते, तो उनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। ऐसा लगता है इस इंसान ने झगड़ा करके बहस करके आपको रुलाया भी है। आई डोंट नो कि आप कितनी बार रोए हैं या कितना ज़्यादा रोए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स रहे हैं, हार्श बिहेवियर रहा है या हार्श वर्ड्स कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आप रोए, जिसकी वजह से आपको दुख हुआ, आपकी आंखों में आंसू आए और अब वो उस बात को याद करके और दुखी हो रहे हैं कि उन्होंने आपको रुलाया, आपको तकलीफ दी, आपको हर्ट किया। ये बात याद कर करके अब वो खुद भी दुखी हो रहे हैं, उन्हें खुद भी बुरा फील हो रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स आपके बिना बहुत कमज़ोर, वल्नरेबल और अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपने उसी साथी की ज़रूरत है जो उनको इमोशनली सपोर्ट करे, वो भी जेन्युइनली। हो सकता है इनके आसपास लोग हैं लेकिन वो जेन्युइनली इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर देयर
फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन ये कैसा महसूस कर रहे हैं या ये किस चीज़ से गुजर रहे हैं, इनको अंदर से कैसा लग रहा है, ये बातें वो उनसे शेयर नहीं कर पा रहे। उनको जो तकलीफ़ हो रही है और जिस तरह का पेन उन्हें हो रहा है, ये बात वो फैमिली से, फ्रेंड्स से शेयर नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि उनका ये दर्द आप ही समझ सकते हो, आप ही समझ सकते हो, और आप ही उन्हें उस लेवल का इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। इमोशनली आप उन्हें उसी तरह सपोर्ट कर सकते हो जिस तरह उन्हें ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं उन्हें आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। यहाँ पर एक मैसेज भी चैनल हो रहा है, जैसे ये कह रहे हैं आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा फील कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं। और एक वल्नरेबिलिटी, एक वीकनेस इनको फील हो रही है। अगर इससे पहले व्यूअर्स ये ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहते थे, ज़्यादा एटीट्यूड में, ज़्यादा ईगो में रहते थे, या अपने आगे किसी की बात नहीं सुनते थे, या कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर समझते थे कुछ ज़्यादा ही, तो ऐसा लगता है कि अब जो ये पर्सन है ये कमज़ोर हो गए हैं, इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, इनका एटीट्यूड, ईगो सब खत्म हो गया है, और अब इन्हें आपकी ज़रूरत है, आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, दे वॉन्ट टू बी विद यू। आपके बिना एक वल्नरेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस की भी कमी है, आपके बिना ऐसा लगता है जैसे इनकी लाइफ कलरलेस हो गई है, वाइब्रेंट नहीं रही। तो इतने सारे स्वॉर्ड्स यहाँ पर इनके पेन को, इनके टेंशन को बताते हैं जो कल रात इन्होंने टेंशन लिया। साथ ही साथ यहाँ पर एक वल्नरेबिलिटी, एक वीकनेस दिख रही है जो कल रात इन्होंने फील की आपके बिना। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी लगता है ये कल रात भी कोई एक्शन लेना चाहते थे, बहुत बड़ा कोई एक्शन नहीं, एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज हो सकता है, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मैं इसको ऐसा नहीं कह सकती कि कोई बहुत बड़ा प्रपोजल, कोई बहुत बड़ा कन्फेशन, कोई बहुत बड़ा ऑफ़र इनकी तरफ से आपको मिलना था, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कल रात भी ये कुछ एक्शन लेना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू टॉक टू यू, दे वॉन्टेड टू से समथिंग टू यू, कुछ एक्सप्रेस करना था, कुछ कहना था, कोई छोटा मोटा एक्शन लेना था, कुछ ऐसा एफर्ट, कोई ऐसा जेस्चर करना था जिससे कहीं ना कहीं वो आपका अटेंशन पा सकें, और दूसरी चीज़ अभी भी आपको दिखा सके, यानी कि आपको शो कर सके कि उन्हें अभी भी परवाह है। तो आपका अटेंशन पाने के लिए या खुद की तरफ से आपको शो करने के लिए कि उन्हें फ़र्क पड़ता है, उन्हें अभी भी केयर है, परवाह है इस चीज़ की, आपको शो करने के लिए। यस, ऐसा लगता है व्यूअर्स ये वैसे भी गुस्से वाले इंसान हैं। आई कैन सी कि ये इंसान पहले से ही ऐसे हैं कि अग्रेसिव है थोड़ा, इनको जल्दी गुस्सा आता है, और आप एक इम्पैथ टाइप ऑफ पर्सनालिटी हो जो सबको समझ सकते हो, आपके अंदर वो हीलिंग क्वालिटी है जो कि आपने कल्टिवेट नहीं की है, नेचुरली आपके अंदर आई है वो क्वालिटी, नेचुरली है आप ऐसे कि आप एक हीलर हैं, और आपके पर्सन जो हैं थोड़े अग्रेसिव पर्सनालिटी के रहे हैं या रही हैं शुरू से, चिड़चिड़ी या चिड़चिड़े, या कह सकते हैं कि यू नो ज़िद्दी, ईगोइस्टिक रहे हैं, रही हैं, तो उस वजह से ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से ये ऐसे हैं या ऐसी हैं, जिस वजह से अब और इनकी कंडीशन ख़राब हो गई है, क्योंकि पहले तो ये ईगो में एटीट्यूड में इन चीज़ों को लेते थे, लेकिन अब ना ईगो है ना एटीट्यूड, ऊपर से इनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, वो आपको फेस नहीं कर पाते, या सॉरी फॉर द थ्रोट, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय थ्रोट, तो वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अब वो आपको फेस कर पाए, अब वो आपको फेस करें। उनको लगता है कि व्यूअर्स जिस फेज में वो है, जिस प्रॉब्लम में वो है, आप ही उनको हील कर सकते हो, आप ही उनको कहीं ना कहीं वो कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, वो केयर, वो अफेक्शन, वो लव आप ही उनको प्रोवाइड कर सकते हो जिसकी उनको अभी ज़रूरत है। तो उनको वो स्ट्रेंथ आपसे मिलेगा, वो स्ट्रेंथ उन्हें नहीं मिल रहा है, एंड यू आर द सोर्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ, आप ही उनके स्ट्रेंथ का सोर्स हो, आप ही से उन्हें वो सपोर्ट, वो कम्फर्ट, वो स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि उनको लगता है आप ही उन्हें इस पल हील कर सकते हो, जिस चीज़ को वो सफ़र कर रहे हैं उन्हें कोई और हील नहीं कर सकता,
उन्हें सिर्फ आप हील कर सकते हो, ऐसा उनको लग रहा है। या ऐसा लगता है ये मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मन ही मन चाह रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस। उन्हें अपने काफ़ी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं और उन्हें अपने किए हुए पर काफ़ी रिग्रेट भी है। या और देखते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे आप या आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं। वैसे रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, आपका और उनका कोई भी जोडियक साइन हो ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। एयर साइन अर्थ साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है। चलिए शफल करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। व्यूअर्स, जितना ज़्यादा अब आप सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो गए हो, जितना ज़्यादा अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी बना रहे हो, खुद की वैल्यू करना सीख गए हो या कहीं ना कहीं अपनी इम्पोर्टेंस को समझ गए हो, उतना ज़्यादा ये इंसान रोमांटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उतना ज़्यादा रोमांटिक अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है। इन दिस पिक्चर आई कैन सी दे आर किसिंग ईच अदर, तो ऐसा लगता है दे वॉन्ट टू किस यू। आपको किस करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है जितना ज़्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं व्यूअर्स, या जितना ज़्यादा आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी प्रायोरिटी मानते हैं, उतना ज़्यादा रोमांटिकली ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या हो रही हैं, या ऐसा लगता है यहाँ पे। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, वो आपके साथ एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ प्लेफुल होना चाहते हैं, जॉयफुल होना चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यस, अकेले में, ओके, अकेले में आपके साथ वक्त बिताने की इच्छा है। थोड़ा रोमांटिक मोमेंट आपके साथ चाहते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। देखिए रोमांटिक फीलिंग्स का भी कार्ड यहाँ पर आ गया। तो कल रात व्यूअर्स वैसा फील कर रहे थे कि वो आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करें, उन्हें कुछ ऐसा पल, ऐसा टाइम आपके साथ मिले जो बहुत रोमांटिक हो, जिसमें बहुत रोमांटिक बातें हो, रोमांटिक मोमेंट हो और वो आपके साथ हो। यहाँ पर लिखा है योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। अब उन्हें एहसास हुआ है कि उनका प्यार कितना स्ट्रांग है, कितना सच्चा है, कितना रियल है। अब तक शायद उनको भी एहसास नहीं था, लेकिन उनको एहसास है। इस पिक्चर में भी ऐसा लगता है, यहाँ पर किसिंग हो रही है और इस पिक्चर में भी ऐसा लगता है। यू कैन सी बोथ द पिक्चर्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दे आर किसिंग ईच अदर एंड इन दिस पिक्चर दे आर किसिंग ईच अदर। तो ये चीज़ तो यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है कि ये इंसान आपको किस करना चाहते हैं या चाहती हैं और आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, या लेट्स सी यहाँ पर कुछ मैसेजेस देखते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। आई एम मिसिंग यू। व्यूअर्स, ये आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। कल रात भी आपको मिस कर रहे थे ऐसा लगता है। कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा लगता है कि ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको वापस तो पाना चाहते हैं, टेंशन में भी हैं, आपका सपोर्ट भी चाहिए, आपके लिए रोमांटिक भी फील कर रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन में हैं कि वो अब क्या करें, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम क्या होना चाहिए उनको नहीं पता। यू आर चेंजिंग, आपसे कहना चाहते हैं कि आप बदल रहे हो। अब किस कॉन्टेक्स्ट में आप बदल रहे हो ये नहीं पता, लेकिन आप बदल रहे हो व्यूअर्स। उनको लगता है कि आपका रिश्ता उनके साथ सदियों पुराना है, चाहे इतना पुराना ना भी हो, इतना पुराना रिश्ता हो सकता है एक्चुअली में नहीं हो आपका, लेकिन उन्हें ऐसा फील होता है कि उनका आपके साथ कनेक्शन सदियों पुराना है। तो उन्हें एक फैमिलियर वाइब आपके साथ फील होती है, एक जाना पहचानापन आपके साथ महसूस होता है। उनको लगता है कि जैसे वो आपको सदियों से जानते हैं, कुछ पास्ट में रिश्ता रहा है आप लोगों का, तो यहाँ चांसेस हैं कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके,
सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूवर्स, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।